लौकी की सब्जी क्या आपको भी खाना पसंद है? तो एक बार आप इस तरह से बना के खा लीजिए, यकीन मानिए कि आपको बार बार बना के खाएंगे फ्रेंड्स, बहुत ही बेहतरीन सब्जी बनती है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर वीडियो को पूरा देखना है तो मैं इसका कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से जाकर चेक कर देख सकते हैं। तो बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है फ्रेंड्स, और इस तरह से आपको पहले पूरे में इस तरह से तेल लगा लेना है, चाहे घी लगा लीजिए, उसके बाद इसको आप पूरे में छेद कर दीजिए, फिर इसको आप गैस पर पका लीजिए, और फिर इसको इसकी सब्ज़ी बनाइए, बहुत बेहतरीन सब्ज़ी बनती है फ्रेंड्स। तो हमने ले लिया है ये लौकी, लौकी को जो है थोड़ा सा इसमें घी लगा के ब्रश या पूरे में इस तरह से घी लगा लीजिए, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है फ्रेंड्स, आप ज़रूर बना के खाइएगा एक बार। अगर आप एक बार बना के खा लेंगे तो यकीन है कि आप बार बार बनाएंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम लौकी को ले लेंगे और पूरे में इस तरह से हम इसको इस तरह से छेद कर देंगे जो है चम्मच की मदद से, तो पूरे में इस तरह से छेद कर लेना है, और इसको हम जो है गैस पे रख के अच्छी तरह से पकाएंगे, फिर बनाएंगे इसकी सब्ज़ी, तो बहुत ही सोंधी सोंधी सब्ज़ी बनती है फ्रेंड्स। और इस तरह से इसको हम गैस पे रख के पूरा इस तरह से ऊपर का भाग हम इसको जला लेंगे जो है, इससे जो है सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी और सोंधी बनती है। तो देखिए हमने इसको इस तरह से जला लिया है, इसको हम इस तरह से छील लेंगे, छीलने की मदद से इस तरह से आप बना के एक बार खाइए फ्रेंड्स, तो यकीन मानिए कि आप बार बार बना के ज़रूर खाएंगे। तो बहुत ही अच्छी रेमेडी है जो YouTube पर पहली बार हम लेकर आ रहे हैं। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कोई भी पैसा नहीं जाता है। तो इस तरह से पहले इसको हम छील लेंगे और इसको धुल के काट लिए हैं। तो ये देखिए हमने ले लिया है एक कढ़ाई, इसमें हम तेल डाल दिए हैं, अब इसमें हम जीरा डालेंगे और इसमें डाल देंगे मिर्चा। अब इसको हम जो है हल्का ब्राउन होने तक पका लेंगे, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है फ्रेंड्स, आप ज़रूर एक बार बना के खाइएगा। तो इस तरह से हम इसको जो है हल्का ब्राउन होने तक पका लेंगे। अब हमने धुल के जो सब्ज़ी रख लिया है इसको हम जो है इसमें इस तरह से इसको चला लेंगे, मतलब पकाएंगे। अब तो इस तरह से हम इसको थोड़ा सा नमक डाल के इसको हम ढक के पका लेंगे 10 से 15 मिनट तक। तो बहुत ही बेहतरीन सब्ज़ी बनती है फ्रेंड्स, आप ज़रूर बना के खाइएगा। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है देखने में, और खाने में बहुत टेस्टी लगती है, ज़रूर बनाइएगा।